हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा तेज बोलने की क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रेत क्या बोलते हैं जिसमें सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं वो मशीन बाहर लगी हुई है और आज पूरे दिन भर उसका काम होने वाला है। तो ऑब्वियसली मुझे खुद अपनी आवाज़ को तेज करना पड़ेगा और बहुत ही प्यारी सी हवा भी चल रही है। दोस्तों, आज आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को क्या सीक्रेट बताने वाली हूँ, जो मेरे हिसाब से सीक्रेट है। सभी लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग मेरी स्किन देख लीजिए, जिसमें बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं है, कोई क्रीम नहीं लगी हुई है, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी पाउडर नहीं लगा हुआ है, कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या लगाते हो, कितना शाइनिंग करते हो, कितना ग्लो करते हो, कितना क्या होता है। तो जो थोड़ा बहुत बेसिक मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिना कुछ लगाए बिना कुछ किए आप कितना ग्लो कर सकते हैं। मैं कभी कभी अपने व्लॉग में ज़रूर से मेकअप करती हूँ। दोस्तों, मुझे पसंद है, हर महिला को पसंद होता है, तो जब भी समय मिलता है मैं मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन एवरीडे नहीं कर पाती हूँ, ना करना चाहती हूँ। सबसे पहला खुलासा मुझे लगता है कि ये होता है कि जब आपके चेहरे पे बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्टीम लगती है, या नेचुरली भी लोगों को पसीना आता है उमस की वजह से, तो भी आपका चेहरा ग्लो करता है क्योंकि सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा उतना ज़्यादा आपका फेस शाइनिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा चेहरा अगर चमकता है तो वो इसी रीज़न से चमकता है। मैंने नोटिस किया है कि जिस टाइम पे मैं स्टीम लेती हूँ उसके बाद मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। नेचुरली भी जब उमस होती है, गर्मी के दिनों में भी मैंने नोटिस किया है कि मुझे बहुत पसीना होता है फेस पे, बट कुछ बिना लगाए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करती है, बहुत ज़्यादा चमकती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको नेचुरली पसीना नहीं आ रहा है तो आप स्टीम ज़रूर लीजिए और एवरी डे लीजिए। मैं जब भी कभी रसोई में काम कर रही होती हूँ तो जब कुकर के सीटी बजती है तो मैं उसके सामने अपना फेस कर लेती हूँ, इतनी दूरी पर रखती हूँ कि फेस जले ना। कभी कभी स्टीम से हमारा फेस जल भी जाता है, उसकी जो स्टीम होती है वो भी मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ। मतलब एनी हाउ मुझे दिन भर में कई बार स्टीम करने का मौका मिल जाता है, खुद मैं ज़रूर से करती हूँ। फेस वॉश करने से पहले मैं स्टीम करती हूँ क्योंकि मेरा जो फेस वॉश है उसमें स्क्रब भी है, तो जब मैं फेस स्टीम करने के बाद उसे स्क्रब करती हूँ तो मेरी त्वचा बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है। एक तो मुझे यही लगता है कि आपको एवरी डे स्टीम ज़रूर लेना चाहिए, अपने फेस को ज़रूर देना चाहिए। कई लोग स्टीम बाथ के बारे में भी जानते हैं, पूरा फुल बॉडी स्टीम बाथ होती है और उससे भी आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं। दूसरा सीक्रेट जो मैं जानती हूँ वो है कि रात में सोते समय आपको अपने नाभि में ज़रूर से ऑयल डालना चाहिए, ज़रूर से। अगर आप रोज़ नहीं डाल सकते हैं तो आपको अल्टरनेट डेज पे ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि हमारे फेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे लिप्स। अगर वही हमको खद्दर खद्दर से, अजीब से दिखेंगे, रूखे रूखे से, बेजान से दिखेंगे तो आपके फेस पे कितना भी आप मेकअप कर लीजिए वो अच्छा नहीं लगेगा। और नाभि जो है वो हमारे बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी होती है। दोस्तों, जब हम उसमें ऑयल डालते हैं तो पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, फेस के लिए अच्छा होता है, लिप्स के लिए अच्छा होता है, तो इसे ज़रूर से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन में नहीं मौका मिलता है तो आप रात के टाइम सोते टाइम ज़रूर से इसे कीजिए। तो ये मेरी सेकंड टिप है। फर्स्ट आप स्टीम लीजिए, सेकंड आप रोज रात में सोने से पहले नाभि में सरसों का तेल या नारियल का तेल या बादाम का तेल, जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपको सूट करता हो, वो ज़रूर से डाल लीजिए। मैं सरसों और नारियल दोनों यूज़ करती हूँ कभी कभी, बदल बदल के। तीसरा सीक्रेट जो मैं जानती हूँ या मैं समझती हूँ कि हाँ ये हमें ज़रूर से करना चाहिए वो है, मैं करके दिखाती हूँ, शीट मास्क यूज़ करना। दोस्तों, मैं शीट मास्क हफ्ते में दो बार तो एटलीस्ट करती ही करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छे से आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, बहुत अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है और आपको बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग मिल जाती है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपका रिलैक्स करने का मन करे शीट मास्क लगाई और हमने 10-15 मिनट रिलैक्स कर लिया, उसके बाद शीट मास्क को आप रिमूव कीजिए और इत्मीनान से जो एक्सेस सीरम होता है उसे आप अपने स्किन में मसाज करते हुए ऑब्जर्व करा लीजिए। आपकी स्किन की बहुत ही प्यारी सी मसाज भी हो जाएगी, फेशियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इसे रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, लेकिन कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक बार या दो बार ज़रूर से हो जाए तो अच्छी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है, बहुत अच्छा सा हाइड्रेशन हो जाता है हमारे स्किन को और
ज्यादा तामझाम हमें नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा दिन भर में आप गुलाब जल, टोनर, कई तरह की चीजें तो आप यूज करते हैं। फेस मिस्ट हम लोग घर में बना के रखते हैं। जब जैसा मौसम होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस तो मैं लेकर आती रहती हूँ, करती रहती हूँ। कभी एलोवेरा का यूज करती हूँ, कभी गुलाब जल का यूज करती हूँ, कभी विटामिन सी, ई, जो भी मुझे मिल जाता है सबका यूज कर डालती हूँ। तो यही कुछ चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम इन्हें भूल जाते हैं और आलस करते हैं इन सबको करने में। लेकिन आप अगर एक रूटीन बना लेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा। मैं आलस करती हूँ, कभी कभी स्टीम लेने में मुझे आलस हो जाता है। और शीट मास्क मैं पहले एवरीडे लगाती थी, बट अब जो है हफ्ते में एक या दो ही लगा पाती हूँ, नहीं टाइम मिलता है मुझे। तो जैसी सुविधा होती है वैसा मैं काम करने लगती हूँ, करती चलती हूँ। और जो भी कुछ आप लोगों को लगता है बिल्कुल सही लगता है। मैं नहीं करती हूँ ज्यादा मेकअप दोस्तों, बिल्कुल नहीं करती हूँ। और इस समय पसीना भी नहीं है कोई फेस योगा नहीं है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैंने पानी की मात्रा बढ़ाई है, मैं पानी इधर बीच काफी पी रही हूँ। बारिश हो रही होती है तो हमें ऑब्वियसली प्यास नहीं लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तीखा खा लूँ, कुछ ऐसा मीठा खा लूँ, ताकि उसके बाद गटागट गटागट एक गिलास पानी अंदर चला जाए। ज्यादा ठंडा पानी लगता है तो हल्का सा उसको गुनगुना कर लेती हूँ। गुनगुना पानी वैसे भी सबको पीना चाहिए, बहुत फायदा करता है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल डे में भी अगर गुनगुना पानी एक दो तीन टाइम अपने शामिल कर लें तो बहुत लाभ पहुंचाता है। तो यही सब कुछ छोटी छोटी चीजें जब जो याद आ जाता है मैं करती चलती हूँ, और बेनिफिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है। और कभी कुछ होने लगता है स्किन में, कभी दाने निकल आते हैं या कभी बहुत ज्यादा ड्राई लगने लगती है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे वो सब चीजें यूज कर लेती हूँ। फेस पैक हो गया, फेशियल हो गया, जो भी मुझे जब जैसी जरूरत लगती है मैं करती चलती हूँ। और जितनी चीजें मैं बताती हूँ ना दोस्तों, वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु भी हैं जो आए हाय करके रह जाते हैं कि हम कैसे करें। आप सब कर सकते हैं। स्किन सबको अपनी प्यारी होनी चाहिए और स्किन टाइप्स अलग अलग होते हैं। अपनी स्किन के हिसाब से हमें चीजों को सिलेक्ट करना चाहिए। किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, किसी की हाफ हाफ होती है, कहीं पे थोड़ी सी ऑयली, कहीं पे थोड़ी सी ड्राई। तो स्किन को तो आपको खुद को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो अपनी इसी टॉप सीक्रेट बातों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि उत्कर्ष के साथ होगा, मेरा प्यारा सा व्लॉग होगा जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे। और उत्कर्ष की मस्ती, उत्कर्ष के एक्सप्रेशन जिन लोगों को पसंद है, जो आज लिखने वाले हैं कि वो लोग मिस कर रहे हैं, उन लोगों को मैं अश्योर कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में वो होगा। आज उसके पास टाइम नहीं था तो वो नहीं आ पाया। सो आप लोगों से बस प्यार की मैं उम्मीद रखती हूँ, आशीर्वाद आप लोगों से चाहती हूँ। और जो भी कुछ आपके मन में आता है, जो भी कुछ आपको लगता है, प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।